बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अहम अपडेट पीपीएससी की तरफ से जो आज मौजूद है हमारे सामने। जी जनाब, पीपीएससी ने रिटर्न रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर लाहौर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ला ऑफिसर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बाबरपुर, और सॉरी तो ये दो रहते थे, बाकी सारे आउट हो चुके थे। तो जो लोग इस वक्त इंटर क्वालिफाई कर गए हैं, वो तमाम लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है आपका अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फ़ाइनल रिज़ल्ट के अंदर जनाब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि असिस्टेंट का आ गया यहाँ पर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन का, असिस्टेंट इंटेलिजेंस, जूनियर रिसर्च ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार और इसी तरह टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। इसके अंदर जनाब जो असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके अंदर जो पहले पहले नंबर पे मौजूद है कामरान अली, जो करीम यार खां से हैं, और इनके तकरीबन तीन चार टेस्ट और भी पास हैं और ये हमारे एकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा स्पेस पीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप है, इसके अंदर कम अज़ कम वो स्टूडेंट ऐड हैं जिनके इंटरव्यू होने हैं, जो टेस्ट पास कर चुके हैं, तो इन्होंने खुद यहाँ पर जो है लगाई है कि सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ ओपन मेरिट पर पहले नंबर पर। तो इंशाल्लाह ताला इनकी जनाब जो मैंने हौसले देखे हैं, इंशाल्लाह 17 ग्रेड इनको मिलेगा जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद पीपीएससी ने अभी तक प्लानर को अपडेट नहीं किया कि जनाब लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट या कुछ। लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट अगर पॉसिबल हुआ तो 25 जून को हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर 18 जून को होना होता तो पीपीएससी आज अपडेट कर देता लाजमी, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट चल रहे हैं पीएमएस के, वो 15 को ख़त्म होंगे। लेकिन अब ये जो है आप नेक्स्ट वीक का वेट करें, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर जो है दो तीन दिन के अंदर प्लानर अपडेट हो गया तो फिर लिटरेसी का पेपर हो सकता है, अदरवाइज ईद के बाद जाके होगा। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो सकता है, पॉसिबल है ईद से पहले, और वो आ सकता है। इसके बाद जनाब जो स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी के अलावा, एनटीएस के थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट ने की थी, जिन्होंने अप्लाई किया था, तो रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो आपको उन्होंने 12 तारीख का टाइम दिया, तीन दिन का, तो आप तमाम लोग जो है अपनी क्यूरी यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना वो देंगे जनाब, तो आपको जो है आपको वो बता देंगे। तो ये जनाब इम्पोर्टेंट बात थी जो आपसे मैंने शेयर की है। तो इसके अंदर जनाब और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपके सामने मौजूद हैं। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर सेम वही मौजूद हैं जो पहले से मौजूद थी। पीपीएससी की नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, पीपीएससी की नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला इस महीने के अंदर आनी है, तीन चार आनी है। आप पहली कब आएगी ये अब हम खुद भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है जो हम अंदाजे लगाते हैं वो थोड़े जो है वो हो रहे हैं, तो इसलिए तमाम लोग अपनी जो तैयारी है वो जनाब अच्छी तरह से करें, ताकि आपको जो है आने वाले तमाम टेस्ट के अंदर कामयाबी हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके अलावा जनाब हमारे चैनल पे वो लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल सीरियस तैयारी कर रहे हैं। हम इंटरव्यू की तैयारी, अब मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं आपको फ़ीस दूँगा, मैंने कहा नहीं, हमारा रूल है कि हम फ़ीस नहीं लेते किसी से। हमारे पास तकरीबन जितने भी लोग पढ़ते हैं उसमें तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ज़रूरतमंद हैं, जो जिस तरह उनकी स्टेटमेंट होती है उसके मुताबिक, तो मैं उनसे फ़ीस भी नहीं लेता। जो इंटरव्यू बिल्कुल फ्री होता है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।